नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरी। यार, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त अभिलाष पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग भोजपुरी में। मैं इस खास एपिसोड में हम बात करते हैं उन खबरों के बारे में जो तेजी से इंटरनेट पर ट्रेंड हो जाती है या यूं कहें कि वायरल हो जाती है। शुरुआत कर देते हैं अपनी पहली खबर से। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सितारा मौजूदा समय का अगर किसी को कहा जाता है तो वो कहा जाता है सुपरस्टार पवन सिंह को। इनकी फिल्में जब भी सिनेमा घरों में दस्तक देती हैं ना, वायरल तो आप छोड़िए, धमाका मचा देती हैं। दर्शकों का दीवानापन देखते ही बनता है। दरअसल सुपरस्टार पवन सिंह अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इन दिनों एक बार फिर पवन सिंह सुर्खियों में हैं और इस बार सुर्खियाँ उनकी कुछ खास बनी हैं। सुपरस्टार पवन सिंह ने बना ली है काफ़ी शानदार बॉडी। जी हाँ, अपनी बॉडी के दम पे हमेशा सुपरस्टार पवन सिंह की पर्सनैलिटी की तारीफ की जाती है। उन्हें भोजपुरी का सलमान खान भी कहा जाता है। बॉडी बिल्डर हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं, अच्छा एक्शन करते हैं। दरअसल बॉडी बनाई है उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म वांटेड के लिए। वांटेड फिल्म से काफ़ी उम्मीदें हैं। इस बार होली पर रिलीज़ हो रही है और कहा जाता है कि पवन सिंह होली पर बहुत धमाल मचाते हैं। पिछले साल सत्या फिल्म जब रिलीज़ हुई थी तो उसने इतिहास रच दिया था। वांटेड से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। नई हीरोइन की एंट्री है इस फिल्म में पवन सिंह के साथ। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह की जो बॉडी है वो कैसे वांटेड फिल्म को हिट कराने में कामयाब होती है। आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में कैसे सुपरस्टार पवन सिंह ने बनाई शानदार बॉडी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह को दर्शकों का सबसे चहेता सितारा माना जाता है और इन्हें इंडस्ट्री का अनमोल नगीना भी माना जाता है। आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्में जब भी सिनेमा घरों में दस्तक देती हैं दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ता है। अक्सर सुपरस्टार पवन सिंह सुर्खियों में बने ही रहते हैं। इन दिनों एक बार फिर सुपरस्टार पवन सिंह सुर्खियों में हैं और उनके सुर्खियों में रहने की वजह भी कुछ खास है। दरअसल सुपरस्टार पवन सिंह ने एक बार फिर अपनी शानदार तरीके से बॉडी बनाई है और इनकी ये बॉडी इनकी आने वाली फिल्म वांटेड में दिखाई देगी। आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह हमेशा अपने हैंडसम लुक्स और देसी बॉडी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार सुपरस्टार पवन सिंह की जिस तरह से बॉडी बनी है उस तरह से वो निरहुआ और खेसारी को भी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये टक्कर कितनी खतरनाक होती है। तो देखा आपने कैसे सुपरस्टार पवन सिंह ने शानदार तरीके से अपनी बॉडी बनाई है। इनकी बॉडी की चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुपरस्टार पवन सिंह ने जिस तरह की बॉडी बनाई है क्या वो खेसारी और निरहुआ पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हमारी दूसरी ट्रेंडिंग खबर की ओर। दरअसल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नंबर वन तो भैया पवन सिंह को ही कहा जाता है, सबसे बड़े सितारे माने जाते हैं, अनमोल नगीने हैं इंडस्ट्री के। ये फिल्मों से तो धमाल मचाते हैं, अपनी गायकी से भी धमाल मचाते हैं, लेकिन अपने स्टेज शो में भी उसी एनर्जी के साथ उतरते हैं और पब्लिक को अपना दीवाना बना लेते हैं। दरअसल इन दिनों सुपरस्टार पवन सिंह की दोहा कतर की एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है जिसमें वो निशा पांडे के साथ परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। और गाना कौन सा गा रहे हैं, पियावा से पहले हमार रहलू। जी हाँ, ये गाना जो है ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में इन दिनों सनसनी मचा रहा है। और इस गाने पर जब सुपरस्टार पवन सिंह ने अपने अंदाज में परफॉर्म किया तो भैया लोगों की आंखें मतलब तरस गई कि भाई एक बार और पवन सिंह का ऐसा एनर्जेटिक परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिले। खास बात ये रही कि जो समय में पवन सिंह ने स्टेज शो किया था, उनके पिताजी का देहांत हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपनी सारी भावनाओं को समेट कर अपने आप को प्रेजेंट करना वहाँ पर, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इतना दुख समेट कर अच्छे तरीके से परफॉर्म करना, एक बड़े परफॉर्मर हैं। और अब आइए तो आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में कैसे सुपरस्टार पवन सिंह ने गाया पियावा से पहले हमार रहलू। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते सुपरस्टार पवन सिंह को इंडस्ट्री का अनमोल नगीना कहा जाता है। इनकी फिल्में जब भी सिनेमा घरों में दस्तक देती हैं इतिहास कायम कर देती हैं। अक्सर सुपरस्टार पवन सिंह सुर्खियों में बने ही रहते हैं। इन दिनों एक बार फिर सुपरस्टार पवन सिंह सुर्खियों में हैं और इनके सुर्खियों में रहने की वजह भी कुछ खास है। दरअसल सुपरस्टार पवन सिंह का इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो दोहा कतर में स्टेज शो करते हुए नजर आ रहे हैं।
आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह निशा पांडे के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। पवन सिंह अपनी गायकी के लिए तो फेमस हैं ही, लेकिन साथ ही उन्होंने एक और गाना गाया जिसने सबका दिल जीत लिया और इस गाने का नाम है पियवा से पहले हमार रहलू। आपको बता दें कि ये गाना इन दिनों इंटरनेट पर जमकर ट्रेंड हो रहा है, लेकिन जिस तरह से सुपरस्टार पवन सिंह ने अपने अंदाज में और एनर्जी दिखाई है वो वाकई काबिले तारीफ है। तो देखा आपने कैसे सुपरस्टार पवन सिंह ने शानदार तरीके से स्टेज शो पर धमाल मचाया। अब ये देखना दिलचस्प होगा भाई कि कैसे पवन सिंह को अब दर्शकों का और अच्छा रिस्पांस मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर। दरअसल साल 2017 भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के त्रिदेव यानी कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, सुपरस्टार पवन सिंह और सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के लिए काफ़ी अच्छा रहा। सभी ने बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में दी, सबने अपनी कमाई लूटी और आगे बढ़ते चले। कमाई लूटने का मतलब वाहवाही लूटी, पब्लिक का प्यार मिला, रिस्पांस अच्छा मिला, अच्छी अच्छी फिल्में दी। अब साल 2018 आ चुका है, साल 2018 की शुरुआत भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। दरअसल सुपरस्टार पवन सिंह, निरहुआ और खेसारी के बीच इस साल एक कंपटीशन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो भोजपुरी की सबसे महंगे बजट की फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है जो निरहुआ की है, वीर योद्धा महाबली, जिसका नाम बताया जा रहा है, हालांकि नाम अभी कन्फर्म नहीं किया गया है। इस फिल्म की शूटिंग एक वॉरियर की कहानी है, निरहुआ जो है वो अपने अंदाज में ही नजर आएंगे। उसके बाद अब खेसारी का भी एक बाहुबली लुक वायरल हुआ है, कहा जा रहा है कि खेसारी भोजपुरी की जो बाहुबली बनेगी उसमें नजर आएंगे और उसके लिए खेसारी की बॉडी सबसे परफेक्ट मानी जा रही है। उसके बाद सुपरस्टार पवन सिंह का भी ऐसे ही एक वॉरियर लुक जो है वो वायरल हो रहा है। तो यानी कि अब इंडस्ट्री का स्तर तो बढ़ चुका है, स्तर भी बढ़ा है, स्टार्स मेहनत भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को साबित भी कर रहे हैं। इन्होंने इनके बीच अब जो टक्कर है ये वॉरियर की है। साल 2018 अब बड़ा होने वाला है, एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में साल 2018 की सबसे बड़ी टक्कर के बारे में। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए साल 2017 काफी कामयाब रहा। यहाँ पर कई फिल्मों ने इतिहास रचा तो कई फिल्मों ने कामयाबी की नई इबारतें लिख डाली, कई फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की तो कई फिल्मों ने एक स्टार को सुपरस्टार बनाया। लेकिन अब साल 2018 आ चुका है और हर स्टार जी तोड़ मेहनत कर रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं 2018 की सबसे बड़ी टक्कर के बारे में। शुरुआत कर देते हैं भोजपुरी किंग सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से। दरअसल निरहुआ अपनी आने वाली फिल्म वीर योद्धा महाबली की शूटिंग में व्यस्त हैं और इस फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि निरहुआ के कई एक्शन सीन्स भी इंटरनेट पर वायरल हुए हैं और जिस तरह से इस फिल्म की शूटिंग जारी है कहा यह जा रहा है कि ये फिल्म बाहुबली को भी टक्कर दे सकती है। इसके बाद इस फहरिस्त में नंबर आता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का। आपको बता दें कि खेसारी का बाहुबली लुक बीते दिनों वायरल हुआ था और कहा यह जा रहा है कि खेसारी अपने आने वाली फिल्मों की शूटिंग में जल्द ही व्यस्त हो जाएंगे और इस फिल्म से खेसारी भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकते हैं। इसके बाद इस फहरिस्त में नंबर आता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह का। दरअसल सुपरस्टार पवन सिंह भी अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं जिसमें वो एक वॉरियर की भूमिका निभाने वाले हैं, जिसकी तस्वीर इंटरनेट पर जमकर वायरल भी हुई। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि साल 2018 की सबसे बड़ी टक्कर में बाजी कौन मारता है। तो देखा आपने कैसे सुपरस्टार पवन सिंह और निरहुआ और खेसारी के बीच एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिल सकता है, वॉरियर्स की कहानी होगी साल 2018। हम उम्मीद यही करते हैं कि इन स्टार्स के लिए काफ़ी अच्छा बीते। दोस्तों इस खास एपिसोड में सबसे पहले तो हमने आपको बताया किस तरह सुपरस्टार पवन सिंह ने अपनी आने वाली फिल्म वॉन्टेड के लिए ज़बरदस्त बॉडी बनाई है और एक बार फिर दिखा दिया पवन सिंह इस पैक। उसके बाद सुपरस्टार पवन सिंह के एक स्टेज शो का जो फुटेज है वो वायरल हो रहा था, उसके बारे में भी हमने आपको बताया। पियवा से पहले हमार रहलू गाना गाया उन्होंने। उसके बाद सुपरस्टार पवन सिंह, खेसारी और निरहुआ के बीच जो सबसे बड़ी टक्कर होगी साल 2018 में जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके बारे में भी हमने आपको बताया। तो ये तीनों खबरें ट्रेंड में बनी रही। इस खास से एपिसोड में फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी भोजपुरी की अन्य ट्रेंडिंग खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।